हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको C1 सेट एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन में ना डेटा रोमिंग सेटिंग को इनेबल कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन का सेटिंग का पेज ओपन कर लेना है, ठीक है। अब देखिए सेटिंग के आपको ना इस वाले पेज में नीचे की साइड आपको ना एक ऑप्शन मिलता है, ये नेटवर्क एंड इंटरनेट का, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए अगले पेज में आपको ये मोबाइल नेटवर्क का ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब इस वाले पेज में आपको अपने फ़ोन की सिम को सिलेक्ट करना है। अब आपको अगले पेज में नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है डेटा रोमिंग का, इसके सामने जो बटन दे रखा है इसे टैप करके ऑन करना है। तो इस बटन को टैप करेंगे तो ये पेज आएगा, इसे आपको ओके करना है, तो ये डेटा रोमिंग के सामने बटन जो है ऑन हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में डेटा रोमिंग को इनेबल कर सकते हैं। अब देखिए ये सेटिंग जो है इनेबल कब करनी पड़ती है ये मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि अगर आप जो अपने दिल्ली के स्टेट में रहते हैं, ठीक है, अगर आप दिल्ली के स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं ना, यानी अपने एरिया से बाहर दूसरे एरिया में जाते हैं, तब जाके आपको ये डेटा रोमिंग का ऑप्शन जो है चालू करना पड़ता है। अगर आप इसे चालू नहीं करेंगे बाहर के एरिया में, तो आपके मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट ठीक से काम नहीं करेगा और आपके मोबाइल फ़ोन में कॉलिंग में भी दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो ये डेटा रोमिंग सेटिंग जो है तब जाके हमें इनेबल करनी पड़ती है।